सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन बीते हुए कल से बेहतर होगा। मनुष्य का दिमाग ही सब कुछ है, जो वह सोचता है वही वह बनता है। मन को शांत करने पर समस्त मुश्किलों का हल निकल आता है। आज का पंचांग 22 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि, रात्रि 12:30 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र शाम 6:56 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:31 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर रात्रि 1:39 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। मकर राशि 22 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार, संसारिक लक्ष्य आपको आकर्षित कर रहे हैं। जहां भी आप चाहते हैं पार्टी भरा जीवन जी रहे हैं। हाल के दिनों में मिली सफलता का मित्रों और परिवार के साथ आनंद लें, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। यदि आप अधिक पार्टी करते हैं तो दुर्घटनाएं या चोरी की संभावना है। आज भौतिक सुखों की तुलना में भावुक लोग आपको अधिक खुशियां देंगे। अगर आप किसी से प्रेम करें तो उसे जाने दीजिए। अगर वो लौट आएगा तो वो आपका है, अगर लौट कर नहीं आता तो वो आपका कभी था ही नहीं। प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क लाभदायक और सम्मानजनक रहेंगे। उनके साथ समय व्यतीत और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना आपके व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाएगा। रुके हुए अधिकतर काम बन सकते हैं, इसलिए अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित रखें। सतर्कता बनाए रखने से कठिन काम में प्रगति मिलेगी। ये सफलता जीवन की दिशा बदलने के लिए महत्वपूर्ण होगी। प्राप्त हो रही यश के कारण आत्मविश्वास बढ़ने के साथ आपका खुद को देखने का नजरिया भी मीडिया से संबंधित लोगों को बड़ा फायदा नजर आएगा। जिस काम को प्राप्त करने की इच्छा होती है वह जल्दी पूरी होगी। पार्टनर की व्यक्तिगत तकलीफों को दूर करने की कोशिश आपके द्वारा किया जा सकता है। पेट से संबंधित इन्फेक्शन को ठीक होने में वक्त लगेगा। सावधानियां, आपके अपने ही कुछ मित्र आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं। बेहतर होगा कि उनकी बातों पर विश्वास ना करके अपने कार्य क्षमता द्वारा ही सारे निर्णय लें तो उत्तम रहेगा। किसी प्रकार के आर्थिक नुकसान और मानहानि की भी संभावना बन रही है। बात करते हैं लव लाइफ की। आप अपनी व्यस्तता की वजह से परिवार को ध्यान नहीं दे पाएंगे, परंतु आपकी प्रियजनों का सहयोग आप में विश्वास और आत्मबल को बनाकर रखेगा। भाग्य से भरपूर है, जहां आप दोस्तों भाई बहन और साथी के साथ समय बिताएंगे। अपने साथी का खास ख्याल रखें, क्योंकि उन्हें आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। प्रेम में छोटी मोटी शरारतें और छेड़खानी प्यार को और भी गहरा बनाती है। आज का दिन उत्तेजक और रोमांटिक और भावनात्मक सुख आपकी प्राथमिकता रहेगी और यह उन चीजों का मजा लेने का समय है जो आपके पास है। वैवाहिक सुख का भी योग बन रहा है, इसलिए अपने दिल की बात का इजहार कर दी। हो सकता है फूलों का एक गुच्छा आज आपका दिल बना दे। बात करते हैं करियर की। आज करिश्मा और आकर्षण आपकी संपत्ति है, लेकिन अपने दोस्तों के सहयोग को नजरअंदाज ना करें। अभी आप अपने आय और करियर में भी विकास करेंगे। आज सोच समझकर किसी समूह या क्लब का हिस्सा बने। अचानक आई घरेलू मुसीबतें भी आपका समय ले सकती है। आज प्यार हवाओं में है। आपके सहकर्मी मित्र या आपको अन्य किसी भी चीज से अधिक खुश करेंगे।
अगर आप सिंगल हैं तो अब समय है किसी खास से मिलने का, क्योंकि अभी आपकी दिलचस्पी प्यार लेने और देने में अधिक है। मेहनत करें और उसके बाद मजे करें। जीवन को उसके लंबाई से नहीं बल्कि खुशियों से नापें। बात करते हैं सेहत की। थकान की वजह से सिर दर्द या माइग्रेन शुरू हो सकता है। समय पर अपना उचित इलाज ले तो जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी के समक्ष दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।